वेलकम टू वेल्थ ऑफ क्रेडिट गाइस। मेरा नाम है आकाश और मैं हुआ एक NSM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज की स्टूडियो में हम देखने वाले हैं गोदावरी पावर का फंडामेंटल एनालिसिस। कल की एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे हम आज ये वीडियो करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाली एक प्लेलिस्ट जिसमें हम सीखने वाले हैं कैसे रामदेव अग्रवाल जी ने 0 से लेकर 2,000 करोड़ रुपीज कमाए। जानेंगे हम एग्जैक्ट प्रोसेस क्या उन्होंने किए, किस पैरामीटर्स पर उन्होंने स्टॉक चूज किया, किस पैरामीटर पे स्टॉक चूज नहीं करना, एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और खुद से कि हम भी खुद के लिए एक मैसिव वेल्थ बिल्ड करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं गोदावरी पावर के फंडामेंटल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस मैं कल के वीडियो में कर चुका हूँ, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना है तो आप जा कल के वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। मार्केट कैप है कंपनी का 4159। एक स्मॉल कैप कंपनी है पावर सेक्टर की। स्टॉक पी है 4.05 और इंडस्ट्री पी है 14.1। इसका मतलब ये मत समझ लेना फ्रेंड्स कि स्टॉक पी कम है तो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। स्टॉक सस्ते में क्यों मिल रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा है तो एक अच्छा बाय हो सकता है, बट अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ है तो स्टॉक पी हमें इसलिए कम देखने को मिल सकता है। स्टॉक पी अच्छा है तो हम देखेंगे स्टॉक पी कम क्यों है। बुक वैल्यू है 578, ROE है 37.4 और डिविडेंड है 1.57। कंपनी डिविडेंड भी देती है, वो एक अच्छी चीज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ का कुछ खास नहीं दिख रहा, 3 मंथ का देख लेते हैं। 3 मंथ में तो और नीचे आ चुका है, 6 मंथ में भी कितना कुछ खास नहीं है। 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर के इसमें अच्छे थोड़ी ग्रोथ दिख रही है, ऊपर जाते हुए दिख रहा है। 3 ईयर का देख लेते हैं। 3 ईयर में भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है अच्छे, और हाई लगाने का एक अच्छी ड्रॉप दिख रही है हमें। कुछ अप्रोक्स 1687 के बाद से हमें ड्रॉप देखने को मिल रही है कंपनी में। 5 ईयर का देख लेते हैं। 5 ईयर में भी ना कुछ खास नहीं है, यहाँ से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें फरवरी 2020 के बाद। मैक्स पे देख लेते हैं। मैक्स में देख सकते हैं हम जैन 2007 से जैन 2019 तक स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। फाइनली एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है और हाई लेवल के नीचे आ गया है। अब यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, देखेंगे हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करने के बाद। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ चुके हैं हम। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। मार्च 2020 से देखते हैं। 790, 675, 967, 1132, 1237, 1126। तो कंटिन्यूस इंक्रीज दिख रहा था हमें और लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, इतने अच्छे मोमेंटम के बाद एक क्वार्टर नीचे गया तो भी चलता है। एक्सपेंसेस पे देख लेते हैं। 548, 732, 785, 767, 553। बहुत कम के एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर में, जो एक अच्छी बात है। देख लेते हैं कहाँ पे इतनी कमी हुई है। मटेरियल कॉस्ट में बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है हमें, तो एक अच्छी बात है ये। 43% से सीधा 25% पे आ चुका है, ये अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख लेते हैं। 126, 234, 347, 470, 573 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं हमें, अच्छी बात है। बहुत सीधा नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। 46, 104, 161, 327, 435 ये भी एक अच्छी बात है। तो बढ़िया क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, खास करके लास्ट क्वार्टर में। EPS देख लेते हैं। 45, 92, 123। ऑफकोर्स हमें इंक्रीज देखने को मिलने वाला है क्योंकि प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे लगे मुझे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं एनुअल का। 2018 से स्टार्ट करेंगे हम। 2506, 3294, 3270, 4061। तो वापस एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये TTM मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यहाँ तक हम देखेंगे मार्च 2021 तक, और इसमें भी कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रही है हमें। मार्च 2020 में छोटा सा ड्रॉप दिखा, 294 से 270 आ चुका था, बट इस एनुअल ईयर में वापस एक बहुत बड़े
ग्रोथ देखने को मिल रहा है हमें, सीधा 3270 से 4061 हो चुका है। एक्सपेंस देख लेते हैं, 2505, 2646, 2832, ठीक ठाक एक्सपेंस भी सेम ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 597, 790, फिर एक ड्रॉप दिखा है हमें और वापस से एक बहुत बड़ा जंप दिखा है, 1229, अगेन गुड साइन। देख लेते हैं सीधा नेट प्रॉफिट, 208, 252, 167, 638, बहुत अच्छे जंप देखने को मिल रहे हैं नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं 167 से 638, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है लास्ट एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली भी। स्टॉक प्राइस एजीआर देख लेते हैं, 10 ईयर 25, बहुत बढ़िया है, 5 ईयर 86, 3 ईयर 38, 1 ईयर 318%, बहुत अच्छा सी एजीआर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख लेते हैं, 10 ईयर का 15, 5 ईयर का 21, 3 ईयर का 26 और लास्ट ईयर 37। अब तक बहुत अच्छे लगे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट देख लेते हैं, शेयर कैपिटल 64, 34, 34, बहुत अच्छा, ये कम हुआ है मतलब कंपनी ने थोड़े बहुत शेयर वापस से परचेस कर लिए हैं, तो एक अच्छी बात है जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है कंपनी पे कि कंपनी आगे जाके बहुत अच्छी तरह ग्रो करने वाली है। रिजर्व्स देखेंगे, रिजर्व्स ऑफकोर्स इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। चलते हैं सीधा बोरोइंग पे, मेन पार्ट कर्जा ले रही है नहीं, कर्जा में भी हमें कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। टोटल लाइबिलिटीज देख सकते हैं, 3511, 3482, 3477, टोटल इन करके रखा है, टोटल लाइबिलिटीज एक ही लेवल पे। देख लेते हैं असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की स्टोरी, 39, 29, 60, अगेन मैसिव जंप, 29 CR से सीधा 60 CR जो कि ऑलमोस्ट डबल है, बहुत अच्छा है ये भी चीज। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कंपनी को। टोटल एसेट्स देख लेते हैं, 3452, 3511, 3482, 3474, टोटल एसेट्स भी एक लेवल पे ही मेंटेन करके रखे हैं, जो कि ना ही एक नेगेटिव चीज है ना कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है, बट बैलेंस भी बहुत अच्छी है, कर्जा कंटिन्यूसली कम हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्रीज हो रहा है और एसेट्स भी हमें इंक्रीज होते दिखेंगे आगे क्योंकि बहुत अच्छे ग्रोथ दिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं, ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, वहां से कितना पैसा आ रहा है, 550, 551, 960, अगेन बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देख लेते हैं, -66, -150, -62, तो कम हुआ, बट देख लेंगे हम यहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए गए कंपनी ने पैसे। फाइनेंस में -25, तो कुछ आइटम्स परचेज किए कंपनी ने जिसके लिए इतनी बड़ी हमें कॉस्ट देखने को मिल रही है, 25 CR की, जो एसेट्स हो गए मोस्ट प्रोबेबली। फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी देख लेते हैं, -900, -491, -401 और -900, देखेंगे -900 CR कहाँ पे गए हैं। -17 रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कर्जा कम हुआ है, तो ये कर्जा कम -720, -729 का कैश नेगेटिव देख रहा है क्योंकि कैश जब जाएगा कंपनी से बाहर तो वो नेगेटिव देखेगा, तो इसलिए जो बोरिंग है, बोरिंग मतलब कर्जा के लिए ये पेमेंट की गई है और इंटरेस्ट भी दिया है कंपनी ने -154 का, अगेन एक कैश आउटफ्लो इसलिए नेगेटिव दिखाया जा रहा है। तो सो फार कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अच्छे है। रेशियोज देख लेते हैं फटाफट, डेटर डेज 23, 17, 20, 25 इंक्रीज हुआ है लास्ट मंथ में, लास्ट क्वार्टर में, सॉरी लास्ट एनुअल ईयर में। डेटर डेज मतलब जब आप किसी को सामान बेच रहे हो तो वो व्यक्ति कितने दिनों में आपका पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे पहले 23 डेज में आ रहा था, फिर 17, फिर वापस से जंप फॉर 20 और फिर 25। ये मैं बता दूँ ये कम होना चाहिए कोई ना, बट ठीक है आगे देखते हैं। इन्वेंट्री डेज 123, 100, 200, इन्वेंट्री डेज भी कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। सीधा आते हैं वर्किंग कैपिटल डेज, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं, 99, 96, 85, ये भी एक अच्छी बात है,
कैश कन्वर्जन साइकिल का मीनिंग बता दूं मैं, आप जो आपने इन्वेंटरी परचेस की है, मतलब जो सामान आपने परचेस किया है उसके लिए आप पैसे दोगे, और वो पैसा जब, और फिर वो सामान आप बेचोगे, वो बेच के वापस से जब पैसा आएगा आपको, तो वो ड्यूरेशन को हम कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। मतलब आपका कैश जा रहा है इन्वेंटरी परचेस करने में, और वापस से जब आप बेचोगे तो वहां से वापस कैश आ रहा है, तो ये कम होना चाहिए और हमें कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अच्छा है कैश कन्वर्जन साइकिल भी 85 डेज का। और उसी देख लेते हैं 1622 1637, अगेन लास्ट ये एनुअल ईयर का बहुत अच्छा है। और उसी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, कई फटाफट प्रमोटर्स के पास है 67.50 इंक्रीज किया प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग, 67.36 थी पहले, 67.42 पे है मार्च 20 में, और 67.50 अच्छा है। फाइज के देख लेते हैं, फाइज ने भी इंक्रीज किया अपनी प्रमोटिंग अपनी होल्डिंग्स 0.31, 0.003, 0.65, 0.62 और 1.15, आपस से कंटिन्यूस इंक्रीज दिख रही होल्डिंग में। डीआईएस देख लेते हैं 0.48, 0.5, 4.99, आपस से एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और पब्लिक की 31.37, 31.33 और 30.35, पब्लिक की थोड़ी कम हुई है गाइस होल्डिंग। तो मेरा एनालिसिस रहेगा कि कंपनी के जो नंबर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और जो को हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, बहुत अच्छा है। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो और अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आप बिल्कुल इसे होल्ड कर सकते हो, बेचने की जरूरत नहीं है, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी कभी होता है नंबर्स अच्छे आते हैं बट स्टॉक प्राइस हमें नीचे देखने को मिल जाती है, और यहाँ से लोग एग्जिट कर जाते हैं और वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर आना चालू हो जाती है। तो बिल्कुल अगर कुछ नए स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है, शायद स्टॉक प्राइस नीचे आई थी मैं जब मैंने कल देखा था, और इसलिए लोग पैनिक कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल पैनिक करने जैसी कोई बात नहीं है। नंबर्स मुझे अच्छे लगे और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक की प्राइस वापस ऊपर जाने को हमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं, और जरूर ये मेरा एनालिसिस है, अगर आप भी खुद के एनालिसिस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी नंबर्स एकदम अच्छे हैं, आप होल्ड कर सकते हो। सो गाइस ये था मेरा एनालिसिस, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा ही मैं आने वाला हूँ और फंडामेंटल एनालिस के वीडियोस के साथ, जिसमें ना कि सिर्फ मैं अपना व्यू दूंगा, आपको भी सीखने को मिलेगा, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का अंत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।